नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों, आज इतने सुंदर सुंदर प्लांट्स के बारे में बताऊंगी और बहुत से प्लांट्स हैं वो, तो वो फ्रेंड्स आप ज़रूर लगा लें। अगर एक बार आपके गार्डन में आ जाएं तो फ्रेंड्स ये कभी छोड़ करके नहीं जाते हैं। जैसे कि सदाबहार का पौधा है, तो सदाबहार के पौधा सीड्स से भी उगते तो हैं ही, लेकिन आपके उसे कलम से भी तैयार हो जाते हैं। अब ये फ्रेंड्स गुच्छे वाली जो अपराजिता है, गुच्छे वाली अपराजिता हो या एक जैसे कान वाली जैसी नहीं होती वो भी अपराजिता हो, तो ये घर में लगाना बहुत शुभ और शिव भगवान को बहुत पसंद फूल आता है, विष्णु भगवान को, तो घर में ज़रूर लगाएं। अगर ये एक बार भी अगर आपको कहीं से भी एक बीज इसका मिल जाता है तो बिल्कुल फ्रेंड्स कहीं से भी उठा लीजिए। और अपराजिता आज के समय में बहुत तरह तरह की आने लगी हैं, कई एक कलरों में आने लगी हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास तो अभी फ़िलहाल में दो ही कलर में है, एक वाइट में है और दो पर्पल, एक पर्पल में। पर्पल में एक गुच्छे वाली है और एक ऐसी है मतलब सिंगल पैटर्न की। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये देखिए इनके बीजों को निकालते रहें समय समय से, और फ्रेंड्स अगर कहीं से भी मिल जाए ये कि छोटी सी भी कटिंग मिल जाए तो आप लेकर के लगा सकते हैं इसको। और फ्रेंड्स एक में क्या है कि जितनी इसकी प्रून करेंगे, कटिंग करेंगे, उतना ही घना होगा। अगर ये आप ऊपर को लताओं को ले जाएंगे तो बहुत अच्छा सा और बहुत अच्छा हो जाता है ये फ्रेंड्स। तो इसको एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा, और इसमें फर्टिलाइज़र की कोई ज़्यादा इतनी आवश्यकता नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं होती फ्रेंड्स जितनी और पौधों में होती है। बस इसमें चाय की पत्ती, जो मैंने अभी कल ही वीडियो डाला है, तो फ्रेंड्स चाय की पत्ती का घोल या इसके प्याज का छिकल का घोल ऐसे बना लगा दें, या छिकल की पत्तियां इस समय क्या करें कि छिकल के जो पत्ती वो होते हैं ना छिकल, तो उनको क्या करें कि गोल करके नीचे दबा दें, तो उनमें भी बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छे फूल आते हैं। क्योंकि बारिश में अगर लिक्विड डालेंगे फ्रेंड्स, मैंने तो लिक्विड क्या छाया वाले पौधों में डाला है, और अगर टेरिस पर रखें तो इस समय लिक्विड ना डालें तो ज़्यादा ही सही रहेगा। क्योंकि अगर इसमें दबा देंगे मिट्टी में ना, तो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके घुल घुल करके जड़ों में जाता है। अब ये फ्रेंड्स देखिए रैन लिली, रैन लिली इतनी, अभी मैंने एक वीडियो डाला फ्रेंड्स, तो उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया। रैन लिली दो बूंद गिरता है, प्रकृति का नियम है, तो रैन लिली इतना खिल करके तैयार हो जाती, इतनी खिलती है फ्रेंड्स कि देखते ही बनती है रैन लिली को। मेरे पास दो तरह की रैन लिली है फ्रेंड्स,